एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 -7 प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 114 मतलब जो एस एन है हमारे पास वो क्या होगा 114। तो सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 इक्वल है -7 के, d इक्वल है -4 माइनस ब्रैकेट में -7 विच इज़ इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या बनेगा विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 7 इक्वल्स टू 3। अब एस एन इक्वल है 114 के, हमने क्या फाइंड आउट करना है n, मतलब n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एज फार्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, ब्रैकेट में आएगा 2a1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज, एस एन की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे 114 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट ओपन, 2a1 की जगह पे आएगा -7 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी की जगह पे आएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, 114 इक्वल्स टू n बाई 2। अब ब्रैकेट में 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 प्लस, अब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें 3n माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, 114 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3n माइनस 14 और माइनस 3 हमारे पास बना माइनस का 17 ब्रैकेट क्लोज। अब हम जो राइट साइड पे 2 डिवाइड में उसको लेफ्ट साइड पे जाके 114 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास बनेगा 228 इक्वल्स टू राइट साइड पे n भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 17n। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी 3n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 228 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 19n माइनस 228 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से हम 3n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास n माइनस 3 कॉमन निकल गया था मतलब 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब अगली दो टर्म्स में से हमारे पास 19 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बनेगी 3n माइनस 19 और एक फैक्टर बनेगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम n माइनस 12 इक्वल 0 रख के n इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 के, और 3n माइनस 19 इक्वल 0 रखेंगे तो n इक्वल आएगा माइनस 19 बाई 3 के, और नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है विच इज़ नॉट पॉसिबल, देन n इक्वल्स टू 12। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।